वेलकम टू अग्रम डेयरी फार्म चैनल। हम जैसे महाराष्ट्र मुंबई में हैं अभी और भिवंडी में। अभी मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ ARM गोट फार्म, यहाँ के जो ओनर है रहमान मिस्त्री और मोहम्मद भाई, जैसे आप लोग यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर्स भी देख रहे हैं। तो आज एक इनविटेशन भी है भाई के पास और इनके पास क्या क्या डिटेल्स है उन्हीं से बात करके हम देखेंगे सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अग्रम भाई, खैरियत से रहमान भाई? अलहमदुलिल्लाह। सबसे पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया हैदराबाद से ऑल द वे मुंबई पड़गा आने का। शायद मुंबई में पहला फार्म है जब आप विजिट कर रहे हो? नहीं। अच्छा, पहले कर चुके मुंबई फार्म? तीन बार। कौन से फार्म पे गए थे आप? बहुत सारे। क्या बात कर रहे हैं, कभी कहा है वीडियो? ये बहुत सारे वीडियोस है, लास्ट 3 मंथ्स पहले का भी, 3-4 मंथ्स पहले के भी, भिवंडी के भी है। भिवंडी के भी है। पड़गा का नहीं है? पड़गा के नहीं है। हाँ, मुंबई के बहुत सारे हैं, पड़गा में नहीं आया था। अच्छा, पड़गा आप नहीं आए जी। नॉर्मली कैसा होता है, अरे भिवंडी में तो अब इन सिटीज है, लेकिन एक पर्टिकुलर जो बड़े फार्म थे जिनका चल रहा है पलाई का मेन मेजर कॉन्सेप्ट, एंड वहाँ पर आपने शायद अभी तक नहीं विजिट किया है, पड़गा एरिया में नहीं किया। मुंबई पड़गा भिवंडी अगर आप ऑलमोस्ट आ चुके हो। नहीं, कुछ फार्म्स टेरिस्ट वाले भी कवर करा मैं जो बहुत बड़े थे, जिसमें 50-60 बकरे भी थे कोठा के, हाँ टेरेस के ऊपर, और साथ टेरेस पे जो बकरे पालते हैं। हाँ। तो बहुत बड़े बड़े फार्म और बड़े बकरे थे उनके पास भी। तो अभी इस वीडियो के अंदर आप स्पेशली पलई कॉन्सेप्ट के लिए जो काम चल रहा है आपका वो बतलाने वाले हैं और दूसरे फार्मर्स को एक मैसेज देने वाले हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। और आपके पास अभी एक बिल्कुल न्यू ब्रांच आपका ओपन होने वाला है तो उसके बारे में भी बतलाइए, और इसी वीडियो में मैं बहुत शानदार बकरे बतलाऊंगा आप लोगों को। अभी ऐसा है अकरम भाई कि ये अलहमदिल्ला अपने फार्म की कैपेसिटी अब मोर देन 500 गोट्स है अलहमदिल्ला। अपने पास ये जो फार्म है, पर्टिकुलर जो पहला फार्म है मेरा, ये अप्रोक्सीमेटली 435 गोट्स हो चुके हैं अलहमदिल्ला। और अलहमदिल्ला मेरे कुछ 35-40 बकरे इसमें, बाकी सब क्लाइंट्स के बकरे। सो पलाई पे है माशाल्लाह, जैसे एक बकरा भी जा रहा है जी। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बकरे हैं जो मेरे फार्म पे, पलाई पे भी है, मेरे खुद के भी है, मैंने बेच दिया हो और वो सेलिंग पे कन्वर्ट हो गए। तो माशाल्लाह ऐसे बहुत से बकरे हैं जो मैंने शो नहीं किया था, और अभी मैं कुछ लॉन्चिंग वाले भी है जो बकरी में इंशाल्लाह मैं आपको पर्सनली बुलाऊंगा इंशाल्लाह, जब मैं इनको लॉन्च करूंगा इंशाल्लाह। शो स्टॉपर्स है वो मैं आपको चैनल पे इंशाल्लाह जरूर डालूंगा। एंड मैं ये बोलना चाह रहा था आपसे कि मुंबई के अंदर 450-600 बकरे जो पालते हैं जी, जैसे जो फार्म्स है वहाँ पलाई का मेजर कॉन्सेप्ट चलता है जी, जहाँ पर किसी के पास 300 भी है, किसी के पास 50-100 गोट्स पालने वाले फार्म भी है, लेकिन एक ऐसे फार्म्स भी है जब मैं इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे जहाँ सिर्फ और सिर्फ मेजर पलाई होती है बिल्कुल, और सेलिंग भी होती है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं हम साथ में जाएंगे। तो पलाई का कॉन्सेप्ट तो ऐसा है कि मेरे यहाँ पर जो पलाई है वो 2800 रुपए, एंड छोटा बच्चा जो आता है नॉर्मली मैं 35 किलो के नीचे बच्चे लेता नहीं हूँ, लेकिन सब रिक्वेस्ट पर ले लेता हूँ, तो उसकी पलाई मैं 2600 रुपए लेता हूँ। तो ये एक स्टार्ट है, जैसे आपने मेरे को अभी आते साथ ही बोला था कि रमन भाई आप जो पलाई ले रहे हो वो जिस हिसाब से बकरे तैयार हो गए बिल्कुल रीजनेबल है, बिल्कुल रीजनेबल है, क्योंकि आप हिसाब से 2800 रुपए आपको रीजनेबल लगा जी, बट दैट इज मेरा बजट ये था कि लोग अफोर्डेबल पलाई हो सही, तो अफोर्डेबल यानी शौक बढ़ना है इसके अंदर लोगों का। चलिए आपके फार्म के अंदर चलेंगे अब और कुछ क्वालिटीज बतलाएंगे आपके पास के बकरों की हम। चलिए बिस्मिल्लाह, जैसे यहाँ से देख सकते हैं आप बहुत क्वालिटी में और बहुत गर्म बकरे हैं भाई के पास, बहुत शानदार कलेक्शन है, बहुत ज्यादा गर्म है जैसे कि अभी देखा चलो बिल्कुल बिल्कुल ये कंट्रोल में नहीं आते माशाल्लाह जी। तो एक पहला बकरा है मेरे फार्म पे जिसने जो अंडू लोग के साथ में सेट हो गया, कसी है खस्सी है लेकिन अंडू बकरों के साथ है। हाँ, ये जो केजेस का कॉन्सेप्ट है, नॉर्मली केजेस में रहते नहीं है खस्सी, लेकिन ये केज में रह के माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार हुआ। क्या हाइट होगी इसकी अभी? ये अभी अप्रोक्सीमेटली 39-40 के बीच में हाइट है जी। 100 केजी वजन है इसका, 100 केजी वजन है इसका, 100 किलो पे खड़ा है।
और ये 98 तोला था मैंने इसको। ये कौन सा है? ये हमारा कस्टमर का है, बिग गया है, खिलाड़ी नाम से, और ये बर्बरा है। ये 64 किलो पे खड़ा है, 64 केजीस पे लाइव है माशाल्लाह। ये 100 प्लस है छोटा, ये भी, ये 122 किलो पे खड़ा है, 122 और बिल्कुल जेट ब्लैक कलर में, जेट ब्लैक डेविल। ये बकरे ने इंडिया में ब्लैक बकरों का फैशन लाया, कोटा में काले बकरे, नॉर्मली बॉम्बे में कोई काले बकरे पसंद नहीं करता हमारा, बिल्कुल कोटा में चाहिए तो करौली कोटा तो बोले वैसा, ये बूंदी में है। एंड इसने जब ये जब आया था मैंने, ये 35 किलो का था, 35 किलो आज माशाल्लाह 122 किलो है, ऑलमोस्ट 100 किलो की जर्नी। कितने महीने लगे? दो साल में क्लियर किया, दो से ढाई साल पकड़ के चलो आए थे। लेकिन ये बकरा जब आया था लोगों ने बोले थे कि भाई ये कट्टू नस्ल है और ये क्वालिटी कोटा नहीं है, ये बनेगा नहीं। आज माशाल्लाह इससे अच्छा बना हुआ बकरा नहीं है, मतलब ये कलर में रिजल्ट सामने है, इससे बड़े बकरे लेकिन ये कलर में और भी ब्लैक कलर के है। पहले हम लाइन वाइज देखेंगे इसमें, नेक्स्ट में फिर ये गुजरी बकरा, ये हमारा उसका नाम माइकल जैक्सन है, माइकल जैक्सन। ये हमेशा क्रॉस पैर लेके खड़े रहता है, चलने फिरने में एक नंबर है, अच्छा खड़ा ऐसे रहेगा। अच्छा इसका स्टाइल है माइकल जैक्सन के साथ। क्या वेट है इसका अभी? ये अभी लास्ट तोले थे अपने की 98 to 100 kg के आसपास। ये मेरे केज में ना, ये कितने दांत पे है? ये अभी आठवा लगा है, आठवा लगा रहा है मैक्सिमम। रहमान भाई एक चीज मैं और नॉलेज के लिए लोगों को बताना चाहूंगा आपके जरिए से, जैसे 8 दांत पे बकरा हो गया तो लोग परचेसिंग नहीं करते, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बतलाइए, क्योंकि मैक्सिमम जो वेट बकरे लेते हैं 8 दांत पे लेते हैं। 8 दांत के बाद में ना बकरा अपनी पूरी उरूस पे आता है, बिल्कुल, और खास कर कोटे गुजरी ये सब जो है ना अपने फ्रेम बेलापट्टी झालर, अगर किसी को अंडू का शौक है और वो बड़े फ्रेम का चाहता है अच्छा बना हुआ, तो वो 8 दांत के बाद 8 दांत पे बनता है, बिल्कुल। बुढ़ा बुढ़ा नहीं, दो दांत इंसान, अब इंसान की एज कम से कम 11 साल 12 साल से अगर लड़का है तो दो दांत हो जाते हैं, अगर 18 साल हो गया तो 4 दांत कर लेते हैं, बराबर तो वैसे ही हो गया। नेक्स्ट में फिर ये कोटा है, व्हाइट है, हाँ ये व्हाइट कोटा है माशाल्लाह। ये कोटे का मैं बताऊंगा, ये पैरालिसिस में आया था, सारा पैर फ्लैट हो गया था, ओके, मतलब एकदम वो स्लीप कंडीशन में आ गया था कि बस हल्ला मारो। फिर ट्रीटमेंट हुआ इसका? तो ट्रीटमेंट हुआ, डे वन ट्रीटमेंट हुआ, डे टू हुआ, डे थ्री हुआ, मतलब हफ्ते भर में खड़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और आज माशाल्लाह वेट गेन भी कर रहा है एंड ऑल सेट है माशाल्लाह। और ये वाला एक कोटा है और ये बहुत एग्रेसिव भी दिख रहा है, ये हमारे अदनान भाई का एग्रेसिव है बहुत, आपने देखा इसको अंदर आते हुए, एंड माशाल्लाह ये बकरा भराई पे था, ये भोपाल में भराई पे था, जो मेरे पास आया था तो भराई से हटके आया था, और भराई वाला बकरा मैंने आप लोगों को बोला था यूट्यूब सारे सब्सक्राइबर्स को कि भराई के बकरे ना जब आते तो वो एटलीस्ट 3 महीना तो उनको सेट होने में टाइम लग जाता है, बिल्कुल, वो तो मतलब 3 महीना, किसी किसी को 4-4 महीने लग जाते, 5-5 महीने लग जाते उनको नॉर्मल फीडिंग में डालने के, क्योंकि उनको आदत ही नहीं रहती सेल्फ फीडिंग के लिए, और जब आदत आ भी जाती है तो जितना खाना चाहिए ना उतना नहीं खाते, बराबर, फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रो करते, इसको वक्त लगा लेकिन माशाल्लाह आज अच्छा बन गया, ये भी 100 kg का बकरा अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट में फिर ये एक है, ये वो जो ब्लैक वाला हमारे ईशान भाई का बकरा था, टीम ईशान, ये सोजत है ना, सोजत टीम ईशान खाली दिन का बकरा है, सोजत है माशाल्लाह 42 हाइट पे है, एंड आराम से हाइट लेंथ बहुत ज्यादा है, 115 किलो लेकिन हाइट लेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत माशाल्लाह है, बहुत पूरा गुलाबी में, पूरा गुलाबी है, ये पंजाबी है, इसका हमारे पास रिजल्ट भी है, हमारा होम ब्रीड यहीं पैदा हुआ है जी, बच्चा माशाल्लाह, इसकी बकरी भी है, तो बच्चा भी हमारे यहाँ हुआ है, तो अभी ये सारे बकरी आपके पास पलाई के ही है? ये पलाई के माशाल्लाह, ये 100 पलाई पे आए, अच्छा पतीरा है, हाँ बिल्कुल स्पॉटलेस वाइट, पूरा कम्प्लीटली, आप देखिए इसकी लेंथ, कहाँ के? कलकत्ता, उनका एक और बकरा हमारे पास है। अच्छा रहमान भाई कहाँ कहाँ के स्टेट से आपके पास बकरे आ रहे हैं पलाई के लिए? मेरे पास इंडिया में तो कलकत्ता और हैदराबाद और महाराष्ट्र चिपलून और आपका बैंगलोर एंड यूपी साइड की भी है, सो हमारा बॉम्बे के ज्यादातर बॉम्बे महाराष्ट्र की है क्योंकि नियरेस्ट है आपसे, जी बाहर के दिखने तो कलकत्ता वगैरह भी है, और मेरे ज्यादा और ज्यादा कस्टमर्स इंटरनेशनल है, यूक्रेन का है, कोई कनाडा का है, कोई अटलांटा है, कोई दुबई का है, कोई बहरीन का है, कतर का है, सऊदी का, कुवैत का, ऐसे कनाडा के भी एक कस्टमर है मेरे पास, उनके पास मेरे पास आयरलैंड कस्टमर है, इंटरनेशनल ज्यादा है मेरा जी अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कंडीशन है आपके पास पलाई के लिए? पलाई कंडीशन कुछ नहीं, महीने का 28 रुपए, उसमें वैक्सीनेशन सब कुछ इन्वॉल्व है, तो एडवांस में देना पड़ेगा पलाई? हाँ, जब मगर आप ब्लैक में हो तो आप मेरे को पलाई दे। कितने महीने की? एक महीने की एडवांस।
बाद में हर महीना मैंने दो, जैसे कि आपने आज 1 तारीख को लाया जी, तो अब मैंने आपसे पूरा एडवांस 1 महीने का ले लिया, अगली 1 महीने आएगी तो मैं एडवांस आपसे दे दूंगा। बिल्कुल मुझे 6 महीने 7 में दो, 8 महीना लो, मैं उसकी लाल सकता हूँ, तो है देते अलग बात है, लेकिन मैं मांगता नहीं, मैं प्रीफर करता हूँ कि जैसे बोला हर महीना लो, हर महीना रिजल्ट देखो जी, क्या होता है मेरे पूछ में 6 महीने की पढ़ाई साथ में ले लिया, जिंदगी मौत है उस पर कोई किसी का कंट्रोल नहीं है, ना करेगा कुछ कुछ हो जाएगा, सो हमको देने का भी उस टाइम में तकलीफ शायद हो जाए, या उनको लेने के लिए भी तकलीफ हो जाए, या उनको देने के लिए भी तकलीफ हो जाए, तो ये मन दुख हो जाता है कभी, सो आई प्रिफर दैट मत दो, 1 महीने का दो, मैक्सिमम 2 महीने का दो, दैट विल बी लॉजिकल। अच्छा आप कुछ ऐसे केसेस भी बतलाइए, यानी जो पलाई का काम करना चाह रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट के लिए हम जो फोकस कर रहे हैं अभी, कि अगर कोई बंदा यानी मंथली जैसे एडवांस में नहीं देता पेमेंट तो उसको क्या करते फिर? नहीं देखो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनको पलाई का मतलब ऐसा लगता है कि वो क्या बोलते हैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मैं उनको 1-8 महीने का टाइम दे देता हूँ, लेकिन मेरे फॉर्म पे ऐसा भी हुआ है कि कस्टमर लोग ने अप्रोक्सीमेटली 4 साल बनाई, 1 साल से पकड़ा पड़ा है, 1 महीना दिया बाकी पूरा साल नहीं दिया, फिर कैसे डील करें? कांटेक्ट भी नहीं करते किसी से, ऐसे भी क्लाइंट्स हैं। तो कैसे डील करते हैं उनको, या फिर उनका बकरा सेल कर देना पड़ता है? मैं तो चलो 1 साल बहुत ज्यादा, कोई नहीं देता, बिल्कुल बिल्कुल मैक्सिमम है, मैंने अभी डिसीजन लिया कि ये महीना मैंने जैन सबको लास्ट दिया था, कि जैन विल बी लास्ट फॉर एवरीवन, 1 तारीख से सारे बकरे मेरे जो है जो पलाई नहीं करे वो मैं बेच दूंगा, और वो प्राइस में बेचूंगा जो प्राइस में मेरी पलाई निकलती है। सही बात, अगर उनका 1 लाख का बकरा है, मेरी पलाई अगर 35-40 हज़ार निकलती है तो मैं 35-40 हज़ार बराबर, आई विल नॉट स्टॉप, बिकॉज अगर आपको अपनी बकरी की फिक्र नहीं है, आपको बकरी का लेना देना नहीं है, तो मैं मेरी पलाई हर महीना कहाँ से खिलाऊंगा, मेरे को भी तो बिल्कुल सही बात, यही पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं यही नोट करना चाह रहा था। और ये एक और बकरा है आपके पास और ये कोटा करौली में, ये वाला ये है, ये बैठा हुआ है जी, तो इसको उठाएंगे भी नहीं, ये माशाल्लाह मालवा है, ये भी अगेन भराई पे था और भराई करके अपने पास आया था जी, इसको बाद में सेल्फ फीडिंग में लेके गए और फिर बाद में रिकवर भी किया और बाद में नॉर्मल फीडिंग में भी आया, इससे कबूरे में सूजन आ गई थी, फर्ज बन गया था जी, तो उसका ट्रीटमेंट हुआ, अब अब जाके वो अभी सेट हुआ है, अब उसको फिर से रिगेन करना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब भी प्रॉब्लम है, ये मेवाती बकरा है, ये एक मेवाती सेल बकरा है, ये फॉर सेल के लिए है, 98 केजी पे है, ओके, और 39 हेड पे है, और अभी 6 दांत 8 दांत लगा रहा है, 7 दांत, क्या हाइट है इसकी अभी? 39 98 केजी, ओके, तो कुछ आस्किंग प्राइस बतलाना चाहेंगे आप? मेरा इसका है 60,000 रुपया, ओके, साइड नेगोशिएशन लो करने, मैं हो सकता है बिटवीन 55 और 60 के, थोड़ा सा इसको निकाल के बतलाने लगाएंगे, निकाल, ये देखिए आप इसकी हाइट लेंथ वगैरह बहुत खूबसूरत, सब उसकी अच्छी बनी हुई है, और रहमान भाई की हाइट से भी आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, बहुत शानदार हाइट में, और जो झालर है इसकी झालर जी सब माशाल्लाह बकरी है, चौड़ान भी बहुत ज्यादा है इसकी, और ये इतना एग्रेसिव है, इतना मसीब है, बाहर निकालूंगा अभी भारी चलते हैं, हां हां निकालूंगा, कितना उछल जाए, बिल्कुल ये 100 किलो पे दोनों पैर पे उछलेगा, 100 केजी पे है और खेलने वाला बकरा है, देखिए आप बहुत शानदार लुक है यहाँ पर, ये करौली कोटा बहुत खूबसूरत, यानी जो कलेक्शन है पलई के बकरे ऐसे होना भी चाहिए, क्योंकि स्पेशली आप लोग पलई पे रखेंगे बकरे तो क्वालिटी भी वैसी मेंटेन करना है, खस्सी देखिए आप, बच्चा है जो पोजीशन पे है, दोनों पैर पे उछलता है और चलता भी और कंटिन्यू चल रहा भी है, सिर्फ उछल रहा नहीं बल्कि चल रहा भी है, वॉकिंग भी करता है और खेलता है, ऑलमोस्ट 3-4 फुट तक तो वो सिर्फ चलता है अपने एक दोनों पैरों पे, बिल्कुल, तो ये सेल्फ फीडिंग का यही मजा है, यानी खसी बकरों में ये मजा नहीं आता, खसी में नहीं है, खसी में तो अंडों के अंदर ऐसी एक्टिवनेस मिल जाती है, रहती है और सेल्फ फीडिंग में रहती है, भराई में फिर उनको इतना हैवी हो जाते हैं, हाँ, कि उनको हाफते बहुत है लोग, और अंडों रहने के बाद सेल्फ फीडिंग रहने के बावजूद भी देखिए आप 100 केजी इसका लाइव वेट है और पूरी एक्टिविटी इसके अंदर है, बहुत अच्छे फ्रेम में हाइट भी और ले रहा है और प्राइस भी बहुत अच्छा है आपके, यानी 60,000 इसके लिए वर्थ भी है, वर्थ मैं वेट का वीडियो भी दे दूंगा इसका, यानी जेन्युइन चीजें हैं, देखिए कोई आप लोगों के लिए कोई फेक काम नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन, आप लोग आके यहाँ पर वेट करवा के भी ले सकते हैं, वेट मशीन है यहाँ पर, हमको वीडियो कॉल भी वेरीफाई कर सकते हो, ऐसा नहीं आपको मैं बोलूंगा वेट पे कुछ, मैं आपको वीडियो कॉल वेरीफाई कर सकता नहीं, लेकिन मैं हमारे स्पेशली सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के लिए कहना चाहूंगा, डिस्टर्ब करने के लिए मत करिए, क्योंकि लेने वाले कॉन्टेक्ट करेंगे तो बेहतर है, जिनको शौक है
क्योंकि बहुत बड़ा फार्म है तो काम भी ज्यादा रहेगा, एग्जैक्टली डिस्टर्बेंस के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन चीज अच्छी है तो जो लेने वाले हो वही लोग कॉन्टेक्ट करिए। आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी बतलाइए, 9920490 4907 1071। ओके, एक बार एड्रेस यहाँ का बतला दीजिए फिर। ये पड़गा गांव है, पड़गा एरिया का नाम है और करुण ज्योति का एक जगह का नाम करुण ज्योति बोला जाता है। डिंकरपाड़ा ये गांव है, डिंकरपाड़ा में ARM गोट फार्म गूगल पे आप टाइप करेंगे ना तो ARM गोट फार्म डिंकरपाड़ा पूरा एड्रेस और सब कुछ उसमें आ जाएगा, नंबर सब अवेलेबल है, गूगल पे रजिस्टर है ये फार्म। बिल्कुल, चलिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस बताऊंगा मैं आप लोगों को। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।